सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। लड़ाई लड़ने वाले तो विजय प्राप्त करता है परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। आज का पंचांग 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि, रात्रि 8:34 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 2:13 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:52 से 3:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर शाम 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर सुबह 11:20 तक रहेंगी। इसके उपरांत कर्क राशि में प्रवेश करेंगी। आप सभी को कर्क संक्रांति की शुभकामनाएं। वृषभ राशि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाभ होगा। आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीज खरीदना चाहेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि सारा पैसा खर्च ना करके कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगे जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। घर में कोई धार्मिक गतिविधि होने से सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। किसी खास रिश्तेदार द्वारा आपको उपहार स्वरूप मनपसंद वस्तु की प्राप्ति होगी। किसी बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। लोगों से मेल मुलाकात के अवसर भी बनेंगे। समस्याओं के हल आपको प्राप्त हो सकते हैं। दिन के अंत तक बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। जिन बातों के कारण चिंता हो रही है उनका प्रभाव कम होगा। फिर भी आपको अपनी योजना के अनुसार काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है। परिवार से संबंधित जरूरी निर्णय लेना होगा, इस कारण संबंधों में तनाव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले अपने काम पर ध्यान जरूर दें। रिलेशनशिप के कारण जीवन में आ रहे बदलाव पर ध्यान देना भी होगा। इन्फेक्शन को नजरअंदाज ना करें। आज के दिन आपके लिए लाभदायक भी रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र पर आप पूरा ध्यान देंगे। आपको विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी से धन उधार ना लें। आपको अपने किसी काम के पूरा होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की विवाह में आ रही समस्याएं दूर होगी। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप तरक्की के राह पर आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग भी प्रशस्त रहेंगे। सावधानियां। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए वरदान रहेगा। अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार ना लें क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी भी परेशानी में जीवन साथी तथा परिवारजनों की आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम प्रसंगों में मधुरता भी बढ़ेगी। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट और जटिलताएं तलाश सकती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाय मुद्दे आप में ही निहित हैं और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन उनके लिए उपयुक्त है जो कि रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं। आपके सुझाव आपको नए अनुबंध दिलाएंगे जिससे आपकी बैंक में जमा राशि में विस्तार होगा। कलाकार, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर एवं लेखक अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो लोग अन्य क्षेत्रों में हैं, अगर वह अपने काम में कुछ नवीनता या कुछ रचनात्मकता लाए तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में निवेश करने की योजना है तो तुरंत उस पर काम करें।
स्त्री वर्ग अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल रहेंगे। अपने कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखने से उनका कार्यों के प्रति उचित समर्पण बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आप में अपने करीबियों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने तक की भावना ही इस भावनात्मक जोश की ऊर्जा को खुद अपने शरीर के भले के लिए प्रयोग भी करके देखें, क्योंकि इसे भी तो आपके प्रिय की सूची में आना चाहिए। अपने सब जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर के प्रति प्यार जाहिर करने का यही एक तरीका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आपके पास करीबियों को अर्पण करने के लिए जीवन भी नहीं होगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, हनुमान मंदिर में केसरिया ध्वजा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।